हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास फोर्थ का सेवन चैप्टर फ्रॉम दी विंडो, यानी कि खिड़की से। ये जो चैप्टर है, इससे पहले का जो चैप्टर था ओमानास जर्नी, उसी को आगे बढ़ाया गया है। ओमाना की जो जर्नी है उसको तीन चैप्टर्स में कंप्लीट किया गया है, तो ये उसका सेकेंड पार्ट है। इसको अब हम आगे पढ़ेंगे, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज मॉर्निंग नाउ। तो ओमाना जो है अब अपनी डायरी में लिख रही है कि अब सुबह हो चुकी है। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। पिछली रात को मैं जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। और बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा और मैं जल्दी सो गई। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग आई वोक अप। तो जब ट्रेन रुकी सुबह, तो मैं भी उठ गई थी। इट वॉज मादगांव। ये क्या था? मादगांव था। डेट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। और क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर मादगांव लिखा हुआ था। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग टू द वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। अप्पा ने कहा कि हम गोवा राज्य से होते हुए जा रहे हैं। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बॉटल्स। तो हमने क्या किया, स्टेशन पे उतरे और हमने वहाँ पे कुछ गरम गरम चाय पी और फिर हमने पानी की बॉटल्स भर ली अपनी। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। ट्रेन फिर से चलने लग गई। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। अब सीन बाहर का जो दृश्य था उसे बताने में मुझे बड़ी कठिनाई लग रही थी। इट इज सो ब्यूटिफुल। बहुत सुंदर दृश्य था। इट इज ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, हिल्स कवर्ड विद ट्रीज। क्योंकि बाहर क्या था, बहुत ज्यादा हरियाली थी और जो खेत थे वो हरे हरे खेत दिख रहे थे। उसकी जो मिट्टी थी वो रेड कलर की थी और वहां पे हरी हरी फसलें दिख रही थी। और जो पहाड़ी थे, जो पहाड़ थे वो पूरे पेड़ों से ढके हुए थे। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर। तो कभी कभी तो मुझे क्या दिखाई दे रहा था, छोटे छोटे पॉन्ड्स का मतलब होता है तालाब दिखाई दे रहे थे, और पहाड़ी से दूर दूर पहाड़ी में कहीं वाटर, थोड़ा बहुत पानी भी दिखाई दे रहा था। आई कांट मेक आउट इट इफ इट इज अ रिवर और द सी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये नदियाँ हैं या फिर समुद्र है। द एयर इज कूलर एंड नॉट सो ड्राई इन एज इन अहमदाबाद। तो जैसा कि हमारे अहमदाबाद में होता है, हवा तो बहुत ज्यादा गर्म हवा चलती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द ट्रेन पास अ लेवल क्रॉसिंग। अब क्या हुआ, ट्रेन जो है वो लेवल क्रॉसिंग पे आ गई। लेवल क्रॉसिंग वो जगह होती है जहाँ पर दोनों साइड से जो दोनों साइड से रोड होती है और बीच में हमारी ट्रेन की पटरी होती है। तब क्या होता है, तो जब ट्रेन आ रही होती कहीं से भी तो गाड़ियों को रुकना पड़ता है, तो ट्रेन वहां पे पहुंच गई। ठीक है, पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। अब लोग दोनों ओर वेट कर रहे थे कि कब ट्रेन क्रॉस हो और कब हम जाएं। देर आर बसेस। ठीक है, वहां पर क्या क्या थी, बसेस थी फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरी हुई, कार थी, ट्रक्स थी, ऑटो रिक्शा थे, और क्या क्या थे, और थे वहाँ पे साइकिल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड इवन टोंगास एंड ब्लॉक कार्स। तो वहाँ पे बस, ट्रक्स वगैरह, ऑटो रिक्शा हो गई, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स और घोड़ा गाड़ी और जो हमारी बैलगाड़ी होती है वो सारे थे। विद पीपल, जिनमें क्या क्या था, लोग थे और उनका सामान था। गुड्स का मतलब होता है सामान। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। और कुछ लोग तो ऐसे थे, उन्होंने लेवल क्रॉसिंग पर भी अपना इंजन बंद नहीं किया था, वो अपना फ्यूल वेस्ट कर रहे थे। देयर इज लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज। और बहुत ज्यादा धुआं था और गाड़ियों की आवाज आ रही थी। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, हाउ डेंजरस दिस इज। तो कह रही कि मैंने तो कुछ लोगों को देखा कि जो बार्स, जो डंडियां लगी हुई थी उससे क्रॉस होके जा रहे थे, तो कितना डेंजरस है ये सब करना। एट टाइम्स अवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन। तो क्या हुआ, उसी समय हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करी थी। उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरिजेस इन वन सच ट्रेन। तो हम लोगों ने क्या ट्राई किया कि उस ट्रेन की हम जो डब्बे होते हैं उसको काउंट करें। बट बोथ द ट्रेन वर गोइंग सो फास्ट। लेकिन दोनों जो ट्रेन थी बहुत फास्ट जा रही थी। वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज। हम हमेशा क्या हो जा रहे थे, काउंट नहीं कर पा रहे थे, कन्फ्यूज हो जा रहे थे हम। What was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day and on the second day? तो Omana ने पहले दिन जो सीन देखा था और आज जो उसने सीन देखा उसमें क्या डिफरेंस है? Omana ने जो पहले दिन सीन देखा था उसमें उसको बाहर सब कुछ ड्राई ड्राई नजर आ रहा था, भूरी भूरी घास, और आज देखा उसने कि बाहर तो बहुत हरियाली है। Omana saw many kinds of vehicles at the level crossing. तो लेवल क्रॉसिंग जो थी
वहां पर उन्होंने बहुत प्रकार की गाड़ियां देखी थी, जैसे बसेस थी, ट्रक्स थी, और ऑटो रिक्शा, कार्स वगैरह, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल, तो उनमें से कौन सी गाड़ी ऐसी है जो डीजल से चलती है और कौन सी गाड़ी पेट्रोल से चलती है। तो जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वो हमेशा डीजल से चलते हैं, और जो पेट्रोल वाले होते हैं वो हल्की गाड़ियां होती है, ठीक है, यानी कि हल्की गाड़ियां पेट्रोल से चलती है। तो आप अब इजीली बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, कौन सी गाड़ी डीजल से चलती है। व्हाई वाज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग, वहां पर क्यों ज्यादा धुआं और आवाज आ रही थी, है ना। तो क्योंकि लोग वहां पे वेट कर रहे थे और स्मोक इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पे लोगों ने अपना इंजन बंद नहीं किया था, फिर भी गाड़ियों से धुआं आ रहा था, इंजन बंद नहीं किया था और गाड़ियों से धुआं आ रहा था। व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल, डिस्कस। तो हम क्या कर सकते हैं जो ये नॉइज आता है व्हीकल से, जो भी आवाज आती है, इस सबको कम करने के लिए, और जो पेट्रोल डीजल के को हम यूज करते हैं उसके यूज से जो धुआं आता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। समटाइम्स पीपल, तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं होती है हमें अपना इंजन बंद कर लेना चाहिए। समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन वेन द क्रॉसिंग इज क्लोज, वट डू यू फील अबाउट दिस। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, ट्रैक्स को पार कर लेते हैं, जो ट्रैक होती है ट्रेन की उसको पार कर लेते हैं जब क्रॉसिंग क्लोज होता है, यानी कि जब कोई ट्रेन आ रही होती है तो क्रॉसिंग क्लोज हो जाती है ना। तो लोग उस टाइम भी जो ट्रैक्स होते हैं उनको पार कर रहे होते हैं, तो ये बहुत डेंजरस है। Later, I saw I was sitting near the window with my eyes closed. तो फिर क्या हुआ, मैं विंडो के पास में बैठ गई अपनी आंखें बंद करके। Suddenly, the sound of the moving train changed. खड़ खड़ खड़। तो suddenly क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, जो ट्रेन थी उसकी साउंड चेंज हो गई और साउंड आने लगी खड़ 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 की। आई ओपन माई आईज, और मेरी आंखें खुल गई। गेस वट आई सॉ, सोचिए मैंने क्या देखा होगा। Our train was crossing a very big river. ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, तो हमारी जो ट्रेन थी वो बड़ी सी रिवर को एक बड़ी सी ब्रिज से पार कर रही थी, है ना। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट, तो जो साउंड थी इसकी ब्रिज को पार करते समय बिल्कुल ही अलग थी। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, जो इसके व्हील्स थे, जो इसके पहिए थे, वो घिस रहे थे क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड तो थी नहीं, मिट्टी थी नहीं, ओनली द ट्रैक्स, वहाँ पे क्या थी, ट्रैक्स ही, एंड द वाटर डाउन बिलो, और नीचे क्या था, पानी ही पानी था। When I first looked down, तो जब मैंने पहले नीचे देखा, I felt giddy, मुझे बड़ा डर लगा। I was really quite scary, मुझे बहुत डर लगने लगा। The river down below was full of water and had some boats, जो नीचे जो रिवर थी उस पर बहुत सारा पानी था, ठीक है, और वहाँ पे बोट्स भी थी। I could also see some fishermen ऑन द बैंक्स, वहां पर मुझे कुछ मछुआरे, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे, भी दिखाई दे रहे थे नदी के किनारे। आई वेव्ड एट देम, मैंने उनको हाथ हिलाया, बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी, लेकिन मुझे पता नहीं कि उन्होंने मुझे देखा है या नहीं देखा। अलॉन्ग साइड अवर ब्रिज, तो हमारी ब्रिज की दूसरी तरफ देर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स, वहां पर एक दूसरी ब्रिज थी इसके लिए, बस और कार्स वगैरह के लिए। This was built differently from ours. तो हमारी ब्रिज से ये बिल्कुल अलग तरह की बनी हुई थी। देखो इसकी, इनकी ब्रिज अलग है, मेटल की बनी हुई है, और इनकी ब्रिज अलग है, सीमेंट वगैरह की बनी हुई है ना। I think going over our bridge was more adventurous. तो मुझे लगता है कि हमारी वाली जो ब्रिज है उसके ऊपर से जाना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। Have you seen any bridges where? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी कोई ब्रिज पुल देखे हैं, तो कहाँ देखे हैं। Have you ever crossed a bridge where? तो क्या आपने कभी कोई पुल पार किया है कहाँ। What was the bridge built over? तो ब्रिज जो है वो किसका बना हुआ था या कैसे वो बना हुआ था। What did you see below the bridge? और ब्रिज के नीचे क्या दिखाई दे रहा था। Find out why bridges are made. और पता कीजिए कि bridges क्यों बनाए जाते हैं। The last few hours have been so exciting. अब जो पिछले घंटे थे, कुछ घंटे, वो बहुत exciting थे, बहुत मज़ेदार थे। After breakfast, तो breakfast के बाद क्या हुआ? I climbed on the upper berth to read my comics. मैं जो ट्रेन की अपर बर्थ थी हमारी उस पर चढ़ गई मेरी कॉमिक्स पढ़ने के लिए। It was bright and sunny outside. बाहर तो बहुत धूप आ रही थी, उजाला हो रहा था।
सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क, अचानक क्या हुआ, बहुत अंधेरा हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और अंदर थोड़ा थोड़ा ठंडा भी होने लग गया। आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर लगा। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, फिर ट्रेन में लाइट्स आ गई। बट आउटसाइड, लेकिन बाहर, इट वॉज वेरी डार्क, बाहर अभी भी बहुत अंधेरा था। समबडी सेड, अब कोई किसी ने कहा इतने में ही कि वी हैव एंटर्ड अ टनल, हम सुरंग के अंदर हैं अभी। ठीक है, टनल का मतलब होता है सुरंग। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, जो बिल्कुल पहाड़ियों के बीच से जाता है। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन, ऐसा लग रहा था कि टनल बहुत लंबी है, बहुत अभी और भी टनल, यानी कि टनल जो है चलती जाएगी। एंड देन जस्ट एज सडनली, तो अचानक क्या हुआ, वी वर इन द डे लाइट अगेन, हम फिर से दिन की रोशनी में वापस आ गए, यानी कि टनल से बाहर आ गए। आउटसाइड इट वॉज सनी, तो टनल के बाहर धूप आ रही थी, ब्राइट, उजाला हो रहा था, एंड ग्रीन, और वहां पे हरे हरे पेड़ भी दिख रहे थे। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, जो ट्रेन थी उसने टनल को पार कर लिया था। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, अप्पा ने बताया कि हम माउंटेन के दूसरी तरफ आ गए हैं टनल को पास करके। तो टनल्स क्यों बनाई जाती है, पहाड़ी को बीच में से उसको काट कर टनल्स बनाई जाती है, ताकि हर जो ट्रेन वगैरह होती है वो पहाड़ी को पार कर ले। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स, तो अब मुझे टनल से पार करना, टनल को पार करना बड़ा अच्छा लग रहा है। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, तो क्या आपने भी कभी कोई सुरंग पार करी है, हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा, अगर आपने पार करी है तो आप बताएंगे कि कैसा आपको लगा, आपको डर लगा या नहीं लगा। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स, तो गोवा से जो केरला तक का रास्ता है उस पर लगभग 2000 पुल हैं, ब्रिजेस हैं, और 92 वहाँ पे टनल्स हैं। ठीक है, वाई डू यू थिंक देर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल्स, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर इतने सारे टनल्स और ब्रिजेस क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिवर होंगी, ज़्यादा माउंटेन्स होंगे, तो उन्हीं को क्रॉस करने के लिए टनल्स और ब्रिजेस बनाए जाते हैं। इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक वट ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट, तो सोचिए आपको क्या करना है, इमेजिन करके ड्रॉ करना है कि जब ओमाना ब्रिज को पार कर रही थी तो उसको कैसा लगा, तो ड्रॉ करना आपको। इमेजिन इफ ऑन द वे देर हैड बीन नो टनल्स नो ब्रिजेस, हाउ वुड ओमानास ट्रेन हैव क्रॉस्ड द माउंटेन्स एंड रिवर्स, तो सोचिए अगर वहाँ पे टनल्स नहीं होते, ब्रिजेस नहीं होते, तो ओमाना की ट्रेन कैसे क्रॉस करती माउंटेन्स को। नाउ इट इज आफ्टरनून, अब दोपहर हो चुकी है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उड़ीपी स्टेशन, हमारे पास क्या है खाने को, इडली और वड़ा है, जो कि हमने उड़ीपी स्टेशन से खरीदा था। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, हमने कुछ बनाना केले भी खरीदे थे। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं और टेस्टी हैं। द सीन आउटसाइड हैज चेंज अगेन, और बाहर का जो सीन है, जो दृश्य, फिर से चेंज हो गया है। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, अब हम वहाँ पे क्या देख रहे हैं, बहुत सारे कोकोनट के पेड़ देख रहे हैं और हरे हरे खेत देख रहे हैं, फील्ड्स देख रहे हैं। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स, अम्मा ने कहा ये किसके खेत हैं, धान के खेत हैं, पैडी का मतलब होता है धान। द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, अब यहाँ के जो घर हैं और जो गाँव हैं बिल्कुल ही अलग दिख रहे थे। पीपल्स क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट, लोगों के कपड़े भी अलग थे, यानी कि उनका पहनावा भी अलग हो रहा है। फ्रॉम वट वी सी इन अहमदाबाद, जो कि हमने अहमदाबाद में देखा था, मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर धोतीज एंड साड़ीज, बहुत से लोगों ने क्या पहना था, वाइट और क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहनी हुई थी। मैनी पीपल हु वर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ अहमदाबाद से आए हुए थे वो वहाँ पे उतर गए थे। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, ठीक है, लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अलग अलग स्टेशन से चढ़े हुए थे ट्रेन पे। सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझीकोड, अब सुनील की फैमिली जो है वो एक स्टेशन है कोझीकोड, वहाँ पर उतरने वाली थी। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, जो कब आएगा, 6 o'clock पर हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे 6 बजे लगभग। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेज, हमने अपने एड्रेस यानी कि जो हमारा पता है वो बांट लिया है, एक दूसरे से शेयर कर लिया है। एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, और हमने प्लान किया है कि हम अहमदाबाद में मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन, और तुम सुनील और एन को भी ज़रूर पसंद करोगे। विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम, आपको बताना है घर में आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हो। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमानास ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री, तो हमने देखा कि ओमाना जो की जो ट्रेन थी वो गुजरात से केरला आने तक कहाँ कहाँ से गुजरी थी।
वो कुछ राज्यों से होकर गुजरी थी। आपको क्या करना है, इंडिया के मैप को उठा के आपको चेक करना है कि फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट इज क्रॉस, आपको बताना है किन किन स्टेट से होकर वो गुजरी थी, कहाँ कहाँ से गुजरी थी। गोवा से, पहले तो गुजरात से आई थी, महाराष्ट्र, फिर गोवा ना, तमिलनाडु, आप ये लिखेंगे इस पे। डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर, तो क्या तुमने कभी कोकोनट वाटर, जो नारियल का पानी होता है, पिया है। हाउ डिड यू फाइंड इट, तो आपको कहाँ से मिला। डिस्कस ड्रॉ अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट, तो कोकोनट ट्री को ड्रॉ कीजिए, उसका चित्र बनाइए क्लास में, इसके बारे में ड्रॉ कीजिए। फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन, तो आपको पता करना है कि कौन से स्टेट में ये लैंग्वेजेस बोली जाती है। उसके बाद है, नाउ इट इज नाइट, अब रात हो चुकी है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, हमने अपने जो अपना जो सामान है वो पैक करना स्टार्ट कर लिया है। द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 आवर्स, अब जो हमारी ट्रेन है वो कोट्टायम में पहुंच जाएगी 3 घंटे के अंदर। दैट इज वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, तो हमें वहीं उतरना है। टू नाइट वी विल गो टू वलियम्मास हाउस, इस रात तो हम वलियम्मा के घर जाएंगे। टुमोरो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अमूमम्मास विलेज, कल हम एक बस करेंगे और फिर हम कहाँ जाएंगे, अमूमम्मा के घर जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, हम क्या है बहुत थक चुके हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 डेज, क्योंकि हम लगभग 2 दिनों से ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज बीन, तो कितनी लंबी यात्रा है। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मजे किए। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैं अपनी डायरी रख दूंगी। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मास हाउस, अब मैं कब लिखूंगी, जब मैं अम्मा के घर पहुंच जाऊंगी। व्हाट डू यू कॉल देम, ठीक है, आपको पूछा गया है कि आप अपनी मदर की सिस्टर, आपकी मम्मी की जो बहन होती है उसको क्या कहते हो, तो हम मौसी कहते हैं। योर मदर्स मदर, अपनी मम्मी की मम्मी को आप क्या कहते हो, आपको लिखना है, नानी कहते हो या अम्मा कहते हो, जो भी आप कहते हो वो आप लिखेंगे। योर फादर्स सिस्टर, अपने पापा की सिस्टर को आप क्या कहते हो, ठीक है, वो आप लिखेंगे। योर फादर्स मदर, आपके पापा की जो मम्मी है उनको आप क्या कहते हो, आप लिखेंगे। हाँ, उसके बाद है यहाँ पे कि हेल्प द चिल्ड्रन टू फाइंड आउट अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स लैंग्वेजेस क्लोथ्स फूड एंड लैंड फॉर्म्स, तो हमें पता है कि अलग अलग हमारे जो कंट्री है उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, और वहाँ की जो लैंड वगैरह है वो जमीन भी वहाँ पे अलग अलग होती है, कहीं पे मिट्टी काली होती है, कहीं पे लाल मिट्टी होती है। मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड वलियम्मास एंड मदर्स मदर इज अम्मा इन मलयालम, तो मलयालम लैंग्वेज में, मलयालम भाषा में जो मदर मम्मी की जो एल्डर सिस्टर होती है यानी कि बड़ी बहन जो होती है उनको कहा जाता है वलियम्मा, ठीक है, और मम्मी की जो मम्मी होती है उनको कहा जाता है अमू मम्मा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।